Okay. The last topic in metals and non-metal is corrosion. So now, corrosion का मतलब basically eating up of metal आपका होता है, लेकिन इसमें अपन अलग अलग इसमें आज आपको थोड़ा different होगा, because this is corrosion is an oxidation. Corrosion आपका एक oxidation है, reaction. This is with atmospheric. This is oxygen in presence of water with the surface of metal. तो सिंपल सा, आपने कोई एक आयरन का बर्तन लिया, आयरन का आपने सपोज मार्केट में देखते होंगे, बिल्कुल इसमें चमक होती है सिल्वर ग्रे कलर की, आपने देखा होगा ग्रे कलर की या सिल्वर ग्रे कलर की. लेकिन आप घर में लाए, घर में इसको ऑक्सीजन तो वहां भी मिली रही है बाजार में, लेकिन इसको वहां पर क्या मॉइस्चर नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा. घर में आपका क्या तो मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इससे इक्वल टू आपका कोरोजन हो जाता है, सिंपल से बात है. तो इसीलिए corrosion is an oxidation reaction with atmospheric oxygen in presence of water with the surface of metal. समझ गए ना corrosion कैसे कब होता है, जब आपका मेटल ये जो ये आपका मेटल है मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जब आपका मिल जाएगा आपका क्या हो जाएगा corrosion हो जाएगा, ठीक है ना. अभी आपका ना आयरन जो Fe होता है आपका ना, तो जैसे इसको corrosion अपना मोर क्विकली, सबसे जल्दी अगर कोई चीज कोरेड होती है तो आपका क्या होता है आयरन होती है ना क्विकली, देन मोस्ट ऑफ द जितने भी मेटल्स है उनमें आपका ना सबसे ज्यादा ये होती है. तो आपका नाम तो कोरेजन या इसको आपका और रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन आपको याद रखना है. दिस इज इट क्लियर इज एक्सेलरेटेड कब होती है आपका एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाउ दिस इज द एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट सॉल्यूशन. तो जो साल्ट सॉल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रेजेंस में आपका नाम आयरन की एक्सेलरेटिंग ज़्यादा हो जाती है, आपका नाम ज़्यादा हो जाती है. अब आप अगर आप कहेंगे सर ये एक्चुअल में रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम बताते सर कि द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाई द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड आपका एयर वाटर या एयर मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द कोरोजन. इज इट क्लियर. तो ना ये हो गया तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका मतलब आपका क्या हो गया, इसको जो नाम है आपका नाम रस्ट इज मेनली आपका हाइड्रेटेड आयरन. ये देखो आपका ना देख सकते थर्ड ऑक्साइड का इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3 नंबर ऑफ H2 एन क्या होता है नंबर ऑफ H2 पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया अपना 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 100 हो 1000 हो आपका ना. तो जैसे बरसात के दिन है कढ़ाई बाहर रख करके देखो एक महीने बाद आपको क्या मिलता है उसका रिजल्ट आपका ना बता. बस तो ये हो गया आपका ना. तो इसका मतलब जो मेनली आपका ना सबसे ज़्यादा जल्दी आपका आयरन में लगता और आयरन में जो आपका रस्टिंग होती है उसको कहते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड मेनली हाइड्रेटेड वाटर. हाइड्रेटेड का मतलब वाटर
क्रिस्टल ऑफ वाटर्स जिनको आप कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो अब आपका रस्टिंग है, ये है क्या आपका नाम? दिस इज द रेड ब्राउन, दिस इज कॉल्ड द फ्लेकी सब्सटेंस, FLAKY, फ्लेकी सब्सटेंस, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्टिंग आपका हो गया। क्लियर हो गया सर ना? अब ये वही कर दिया, एक्स लिखो, कई किताबों में यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ और कई में यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कितना भी हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले आपके जो आती है, किस किस में हो सकती है आपकी रस्टिंग आपका नाम का दस? एल्यूमिनियम में आपकी रस्टिंग हो सकती है, कॉपर में आपका हो सकती है, आपका कोरोजन रस्टिंग नहीं कहते, रस्टिंग तो आयरन में, एल्यूमिनियम में भी आपका हो सकती है। इसमें क्या, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एक्सपोज टू आपका मॉइस्चर, द एल्यूमिनियम वेसल लूज इट्स शाइनिंग, वो आपका नाम तो आपका नाम। यानी कि एल्यूमिनियम का भी कोई बर्तन आपने लिया, जैसे एल्यूमिनियम का आपने ग्लास ले लिया, अपना ग्लास, ठीक हो गया। तो इसके बाहर से ये जो है आपका, इसके माउथ में ये, इसके अंदर ये आपका नाम होता है। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन, ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ये द लेयर, ये जो लगती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आपका नाम देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एक्सपोज टू द मॉइस्चर द एल्यूमिनियम वेसल लूजेज, जो एल्यूमिनियम वेसल होगा ये आपका लूजेज आपका नाम, क्या लूज कर देगा, इट्स शाइनिंग, अपनी शाइनिंग को आपका नाम, दिस इज द ये लूज कर देगा, ठीक हो गया सर। इसी में आपका नाम, आपका कोरोजन ये आपका नाम, और कॉपर भी होता है, कॉपर में भी कोरोजन आपका होता है आपका नाम जबरदस्त। तो इसमें भी आपका नाम ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक आपका कॉपर, आपका कार्बोनेट इज ए मिक्सर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी आपका नाम, क्योंकि कॉपर मेटल क्या है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो ये क्या आपका लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, इसलिए कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो होता है आपका नाम। तो जो कोरोडेड कॉपर वेसल होगा इनको आप क्लीन कर सकते हैं आराम से डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से। तो डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन को मैं आपका डिसॉल्व ग्रीन कलर बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट जो होगा उसको बाहर से आपका निकाल देगा कोरोडेटेड कॉपर वेसल्स के, और आपका नाम इट विल बी लुकिंग शाइनी आपका। ऐसे ही आपका सिल्वर में भी होता है, याद रखें। तो सिल्वर के जितने भी, जैसे ये है मेरे पास, ये सिल्वर का आपका ये आपको अंगूठी दिख रही होगी ना, तो सिल्वर आपका ऑर्नामेंट जितने भी होते हैं ग्रेजुअली ये टर्न ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसके बाहर से भी थिन लेयर ऑफ सल्फाइड लेयर्स लग जाती है ऑन दियर सर्फेसिस बाय द एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन एयर आपका नाम। तो सिल्वर वैसे भी आपका क्या होता है, ब्राइट होता है, शाइनी होता है, विच इज केमिकली क्वाइट रिएक्टिव होता है, क्वाइट रिएक्टिव, दिस इज आपका नाम, रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाँ अनरिएक्टिव कहते हैं इसको, इसलिए मेरी यहाँ मैं मत मिलाओ, इसीलिए अनरिएक्टिव होने के कारण ये आपका सिल्वर मेटल क्या है, फेरी रेसिस्टेंस टू कोरोजन होता है, दैट्स व्हाई सिल्वर मेटल इज यूज टू मेक ज्वेलरीज एंड सिल्वर वेयर। जैसे सिल्वर वेयर क्या होता है, सिल्वर के बर्तन आपके बनते हैं, आपका यूटेंसिल्स आपके इसके बनते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स इसके बनते हैं, क्योंकि इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स हाईली या ब्राइट शाइनी सरफेस एंड रेसिस्टेंस टू कोरोजन आपका कहते हैं। तो कभी देख लिया करो टीचर अगर बोल रहा है तो हाँ मैं हाँ मत बोला, ये हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी है ये इसका है लो रिएक्टिव है आपका नाम, तो आपका इसमें अनरिएक्टिव से इसमें कहते हैं। इसके बाद गोल्ड का आपका, गोल्ड में भी लगता है, गोल्ड आपका ये मेरे पास गोल्ड भी है आपका नाम, तो गोल्ड आपका क्या येलो शाइनिंग मेटल है आपका नाम, गोल्ड मेटल डज नॉट कोरेट, क्योंकि आपका देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी आपका बॉटम में, समझ रहे ना, तो इसीलिए गोल्ड डज नॉट आपका टर्निश एंड रिटेन्स इट्स लस्टर फॉर इयर्स, समझ रहे, इसीलिए गोल्ड से आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज बनते हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं आपका नाम। प्लेटिनम भी ऐसे,
जिसको आपका आजकल ब्लैक बोर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अनदर मेटल विच इज हाईली रेसिस्टेंस टू द कोरोजन, आपका नाम इज इट ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि गोल्ड प्लेटियम ये आपका नाम, टाइटेनियम ये आपका कभी भी डू नॉट कोरोड ईजिली, आपका बहुत ज़्यादा जल्दी आपका, क्योंकि अनरिएक्टिव है, बॉटम है, लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये चीज़ है। प्रिवेंशन टू कोरोना, अगर ऐसे हो जाता है, जैसे सिंपल आपने बोला आयरन इज द मोस्ट आपका ना मेटल जो है सबसे ज़्यादा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल सबका जैसे तो ना, तो जैसे तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड आपका बाय ग्लैग्नाइजेशन आपका नाम देखो, दस ग्लैग्नाइजिंग भी आप कह सकते हैं आपका नाम देखो, तो बाई मेकिंग, इससे पहले आपने पढ़ा था एलॉयज, आप सिंपल से बात है स्टील सरिया कहते हैं आपका, स्टील स्टील का बनना है जब आयरन और प्लस कार्बन एक मेटल एक नॉन मेटल आपका, तो आपका क्या बना था, स्टील बन रहा था ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील कैसे बन रहा था, जब आयरन के साथ आप क्रोमियम निकिल आप मिला रहे थे आपका नाम, तो इसीलिए आपका नाम एलॉयज बना दोगे तो रस्टिंग कभी भी नहीं होगी। आप घर में देखा होगा आपने, हर 3 साल में आप पेंटिंग करते हैं आपका नाम देखा, दस ना समझ रहे, आप ने गाड़ियाँ आपकी बाहर खड़ी रहती हैं, साइकिल साइकिल की बात करूँगा अभी गाड़ी की नहीं, तो उसमें आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, या जैसे ये शटर लगा हुआ, ये शटर भी आपका क्या हो जाए बरसात में दिक्कत करे, इसीलिए इसमें क्या करते हैं हमेशा ग्रीसिंग, ईजिली आपका ऊपर लिफ्ट हो जाए, या ग्रीसिंग के साथ साथ आप साइकिल वाले की दुकान में जाते हैं तो क्या करता है, ऑयलिंग करता है, एंड देन टिन प्लेटिंग की जाती है आपका, एंड क्रोमियम जो आपका नाम देखो दिस इज द क्रोम प्लेटिंग की जाती है, क्रोम प्लेटिंग क्रोमियम की जिसके कहते हैं विचार आपका। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो आपने सबसे पहले बोला, ग्लैग्नाइजेशन, एक्चुअल में ग्लैग्नाइजेशन होता क्या है, तो हाँ इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग, देखो आप कह रहे हैं देखो आयरन एंड स्टील ऑक्साइड आप कहना देखो विथ द थिन लेयर ऑफ जिंक, आयरन और स्टील में जो रस्टिंग होती है उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर से जिंक की हल्की थिन लेयर आपके लगाते हैं, तो उस प्रोसेस ऑफ कोटिंग को आपका क्या कहा जाता है, ग्लैग्नाइजेशन कहा जाता है आपका नाम का, इट इज डन बाय डिपिंग, डिप किया जाता है देखो ना द ऑब्जेक्ट्स इन मॉल्टन जिंक, यानी कहने का मतलब आपने एक में आपका बर्तन में आपने क्या किया, जिंक को पिघला के आपका लिक्विड बना दिया, मॉल्टन आपका बना दिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आयरन की या स्टील की कोई भी आपका नाम आप चीज डालेंगे, उसके बाहर से आपका क्या हो जाएगा, जिंक की कोटिंग लग जाएगी आपका ठीक है ना। तो ना द ग्लैग्नाइज, नाउ दिस इज द आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोटिंग, नाउ इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, देख लीजिए ग्लैग्नाइज आपका आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोटिंग आपका, फिर उसको दोबारा आप कोटिंग करते हैं, देखिए आपका इवन अगर बाय द वे जिंक की कोटिंग अगर आपके निकल गए तो
तो अपन उसको अपन ब्रोकन हो जाती है, एक कोटिंग और हो जाती है जो उसको बचा लेती है। क्लियर है सर? दूसरे नंबर पे आपका नाम एलॉय चल रहा है, जो एलॉयज आपने कहा। तो नाउ इट इज अ मेथड, आपका नाम देखो सर, ऑफ इम्प्रूविंग द, ये वो मेथड है आपका नाम इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ। कई बार बच्चे को पता नहीं होता, और ये शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है आपको सर, ये डिफाइन ग्लेबनाइजेशन, डिफाइन एलॉयज, डिफाइन आपका नाम दे सकता प्लेटिंग, पेंटिंग आपका आ गया, ग्रीसिंग आ गया, ये आपका आ सकता है। तो ना ऑल इट इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ एनदर मेटल और यानी कि एलॉय का मतलब क्या हुआ, आपने कहीं पढ़े, ब्रॉन्ज आपने पढ़ा, ब्रास आपने पढ़ा, याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो एलॉय का मतलब आपका मेटल प्लस मेटल हो गया, या तीन मेटल भी हो सकते हैं आपका ना, या मेटल आपका प्लस मेटल हो सकता है आपका ना देखो, या मेटल आपका ना प्लस नॉन मेटल हो सकता है आपका ना। होमोजीनियस मिक्सचर आपका याद करिएगा आपका ना, इज इट क्लियर सर? अगर गोल्ड की आप बात करेंगे तो आपको याद है कि गोल्ड में भी आपका 22 कैरेट्स वो, और आपका उसके बाद 2 कैरेट्स में लगभग आपका मिलाया जाता है आपका ना, सिल्वर मनाया जाता है, या दूसरा क्या था? याद करिए, कॉपर या सिल्वर। 22 कैरेट्स तो आपका क्या होगा, गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड मिक्स विथ 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और सिल्वर, कॉपर सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर और सिल्वर दोनों। तो वो तो सुनारी वह सुनार कहेगा नहीं नहीं ऐसा कहाँ होता है, अगर आप पूछेंगे तो पेंटिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विथ अ पेंट विच प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। मेटल को आयरन में एयर मिल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, मेटल में वाटर डाल दोगे तो कुछ, जब तक एयर नहीं। इसलिए तीनों एयर प्लस वाटर प्लस मिल आपका मेटल जब भी होगा तीनों मिलेंगे तभी आपके रेस्ट होगा। इसके बाद ग्रीसिंग एंड ऑयल, दिस इज द नाउ व्हेन ग्रीस और ऑयल जो भी एक ही बात है इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट ना, देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कांट कम इन कॉन्टैक्ट अपा विद इट एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। जितने भी उधर जैसे टूल्स हो गए आपके नाम देखो, एंड आपका नाम देखो जैसे मशीन पार्ट, आपके जो मशीन पार्ट्स आपका नाम देखो मेड अप ऑफ आयरन, आयरन से बने होते हैं आपका देखो ना, आप नाम जैसे इसमें इसमें और आपका नाम
विद ग्रेस. दिस ये है ना क्लियर ना स्मियर एस एम ई ए आर ए वी दिस इज कॉल्ड स्मियर विद ग्रेस. आप देखिए आपने देखा होगा बैरंग होती है. ये बैरंग्स में आपका देखो छोटी छोटी आपका ना ये गोलियां होती है ना ये जब अंदर साफ्ट के अंदर जाती है साफ्ट के अंदर बरसात में बड़ी साइकिल की है साइकिल की आपने ना यूं करके पीछे से जो टायर होता है फ्लाई व्हील पे आपकी जाती है आगे तब तो क्या करते हैं आपका इसमें हमेशा बरसात के दिनों में भी पानी रहता है. हमारी साइकिल मोटर कोई केयर नहीं करते ना आपका है ना बाप का है खराब भी हो जाएगी पिताजी लाएंगे आपका थोड़ा खराब हुआ कायदे से क्या होता है हर हफ्ते आपको जा करके साइकिल को या अपने घर में ग्रीस का आता है 20 रुपये का पैकेट 25 रुपये लाए ऐसे उंगली में लगाए और इसमें अपना पूरा लगा दिए उसमें आपकी फ्रिक्शन भी लेस होती है. नहीं तो अगर चढ़ाई में आ पा रहे हो तो पैडल आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा या जो पैडल होता है जिस पर आप पाँव रख कर उसमें भी छोटी छोटी होती है उसमें भी आप लगा दें. आपने साइकिल का आपका ऊपर का देखा होगा जो हैंडल होता है उसमें भी आपकी होती है. ठीक तो जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं आपका मशीन के पार्ट्स हैं जहाँ आपका स्मूथ नहीं चाहिए तो स्मूथ के लिए आपका नाम जहाँ पे ग्रीसिंग डालो जहाँ पे अब पता चला शटर में यहाँ पे लगता है आपका नाम ग्रीस मैं ऑयल डाल रहा हूँ तो नहीं चलेगा. जिसकी जहाँ पे जो जगह है उसको वहाँ पे लेकिन प्रॉपरली ऑयल होनी चाहिए प्रॉपरली ग्रीस होनी चाहिए बस तो फ्रिक्शन भी आपका कम करेगा. उसके बाद आपका नाम जब जैसे टिन प्लेटिंग एंड क्रोम इसमें टिन प्लेटिंग में आपका क्या होता है टिन का मतलब क्या होता है एसएन एंड क्रोमियम का मतलब सीआर हो गया आपका ना देखो तो जितने भी टिन और क्रोमियम मेटल है आपका ना देखो आप उधर आपके सामने टका हुआ देखो रेसिस्टेंस आपका ना टू कोरोजन हो गया ऐसे नहीं क्रोमियम इसमें नहीं होगा लेकिन क्रोमियम वहां होगा. सुंदर सा टीवी खरीदा देखो आपका ना ये यहाँ पर सुंदर सा टीवी खरीदा 24 एटॉमिक नंबर है इसका यानी कि फोर्थ बी का मेंबर होगा क्रोमियम याद रखिएगा आपका नंबर तो ये रेसिस्टेंस टू कोरोजन है. क्रोमियम अपने आप में बी ग्रुप यानी कि फोर्थ बी का आपका नाम जिसका आप हैवी मेटल या ट्रांसिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्रोमियम उस प्रजाति का है आप समझिए. और SN रिएक्टिविटी सीरीज में आपका देखो नाउ मिडिल में आपका आ रहा है ये देखो मेटल आपका नाम देखो दिस तो वेट आ थिन ले आपका थिन मेटल इज डिपॉजिट नाउ ऑन आयरन का मतलब Fe आपका ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आपकी की जाती देन जो आयरन है आयरन Fe एंड स्टील आपका नाम देखो जैसे ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम और एलॉयज के बारे में परसों आपने बोल ही दिया था इसका एक स्पेशल रूम मैंने कोटिंग ऑफ मेटल इज डन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग द यूज ऑफ अदर मेटल इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कभी कभी बच्चों ने कहा सर हमें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही नहीं आ रही समझ में सुना व्हेन द कोटिंग ये THE के लिए आपका देखना व्हेन द कोटिंग ऑफ मेटल इज डन विद हेल्प ऑफ बिजली यानी कि बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग द यूज ऑफ अदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग. ये मेकिंग है सर घर जाके आपने कहा
ये तो दिख ही नहीं रहा, वैसे भी आवाज आ रही है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।